तो आ गया भाई हमारी डाली। हेलो भाई, कहाँ चलना है? अभी 6 मिनट दूर है हम भी अपने डेस्टिनेशन से, और पानी ऐसा भरा हुआ है यहाँ पे। ओह शिट, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, टोकन वापस कर दिया भाई। ये फंस गया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग के अंदर भाई फिर दोबारा हमारे साथ हैं। तो आज के व्लॉग में फुल मस्ती होने वाली है। जैसे कि लास्ट व्लॉग देखा था आपने, उसमें मेरी बियर्ड थी बट मैंने बियर्ड काट ली। अच्छा, हमको सिखा रही है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। ठीक है भाई, तो आज फुल मस्ती होने वाली है और देखते हैं आज हम कहाँ जाते हैं। और आदर्श भाई अभी हमें द्वारका मोड़ पे मिलेंगे, अभी उसको पिक करेंगे, उसकी थोड़ी बेइज्जती करेंगे, उसको थोड़ा आज की जलील करेंगे बातों में। अभी मजा आएगा ना, फिर आपको बताएंगे कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, किस बस के लिए जा रहे हैं। बाकी आप समझदार हो और बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर। ठीक है भाई, तो भाई अभी क्या हुआ कि बस से जब मैं उतरा था ना, तो मेरे पैरों का जूते का जो सोल है वो फट गया। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं अभी इसको सही करवा रहा हूँ, फिर यहाँ से सही करवा के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आ गया भाई हमारी डार्लिंग। हेलो भाई, कहाँ चलना है? ओ डार्लिंग, बढ़िया भाई बढ़िया। चश्मा भाई साहब, चश्मा देख रहा है पूरा ब्लैक, एक नंबर। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया बढ़िया, मेरे पे दादा सूट कर रहा है भाई, नो डाउट। शाबाश बेटा। सो गाइस, मास्क की बहुत ज्यादा नीड है यहाँ पे, बिना मास्क के दिक्कत। ओए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे वो हट है, तू समझा? अच्छा, तो इसने क्या करा, जो सीट होती है ना, सीट के ऊपर पानी छोड़ दिया। अच्छा, उसका छोड़ दिया था भाई ने। अच्छा, बास नीचे करके बात करना। और अभी तो रुको, पूछना कैसा लग रहा है। अब आदर्श ही बता दे कैसा लग रहा है। वैसे मैं करने नहीं वाला था, बट अगर तूने बोल दिया है तो अब करना पड़ेगा। अब जाए जाए, अब जाए जाए भाई, ये फंस गया। अब बोलते ओ भाई नीचे दिखूंगा ना यूं, ये ले भाई ऊपर, और कितना ऊपर करूँ ये बता दे भाई। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। बकवास करा लो इनसे, दोनों जने बकवास करते हैं। कितना सोचना नहीं होता किसी काम में। ये तो ये लुगाई अभी तरह दे रहा है, ये मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, समझ रहे हो। तो गाइस फाइनली अभी है ना, रसोरी गार्डन से मजलिस पार्क के लिए चेंज कर रहे हैं, और मैंने ना भाई का चैनल हाईजैक कर लिया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल चलो देखते हैं। ये देख लो भाई तुम, मजलिस पार्क की ओर। और आज की पूरी वीडियो में तो क्या शूट करने वाला है ये बता भाई। ट्रैवलिंग है, अच्छा ट्रैवलिंग कंटेंट है, बहुत जबरदस्त, मजा आना चाहिए, फुल फन होगा, पक्की बात है गाइस। मैं तो किसी और काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो फन की क्या, मैं कह रहा हूँ जब अभी है ना मैं कहीं और जाऊँगा यहाँ से, तो इस वजह मैं ना भाइयों के साथ नहीं रहूँगा, तो तुम देखते रहना, ठीक है। और भाई तो यार अब तो प्रॉपर प्रोफेशनल व्लॉगर हो गया ना ये, हमसे भी छड़ जाएगा भाई यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एक काम देखिए, गजब बेइज्जती है, तो मिलेगा ना रात को फिर दोबारा। भाई रात को मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा, मतलब रोहिणी वेस्ट पे या रिठाला पे मिल जाना मेरे को, ठीक है भाई। फोन मार देना एक तुम्हारा भाई, अच्छा हाजिर, ठीक है भाई। अच्छा, हमको सिखा रही है, तो चलो बाय बाय। सो गाइस, दोनों भाइयों का फोटो शूट चल रहा है, कहीं पे भी जाना हो ना, ये फोटो शूट करे भी ना मानते ही, एक तो फोटो तो खींच नहीं खींच है भाई, ठीक है भाई। यार ये कब आएगी यार दाढ़ी सही से, दाढ़ी सही से कब आएगी, जब तेरी एज हो जाएगी बुड्ढा। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, तुम्हारे भाई की तो आती बढ़िया जाती है एकदम। अब यार कमेंट नहीं छोड़, समझ रहे हो। ये हमारी लुगाई है, ये कहीं पर भी उछलती रहती है, कृपया इस पे ध्यान ना दें। यार हम ऐसे तो शरीफ हैं, लेकिन हम जितने हम कैमरे में दिखते हैं ना बस इतने, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा शरीफ नहीं, तो हम बहुत आराम में हैं।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे मूवमेंट बहुत अच्छी करी सर। माय गॉड ईशा भाई क्या बात है। ओएमजी तेरा भाई। ओए 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 नहीं नहीं सीधा कर कैमरा, सीधा कर कैमरा। अरे मुंह नहीं खोलते पब्लिक। अब भाई भाई को सूझ गया रील बनाने का मूड, अब रील बनाएगा ये। ठीक है तो देखते हैं रील बनाएगा। यहाँ पे ना क्लियरिटी बहुत जबरदस्त है ना भाई, बहुत जबरदस्त। यार यहाँ का थोड़ा चक्कर हुआ है। मैं यार पता है क्या, वहाँ पे खड़े हुए थे ना तो वहाँ पे तो घुटन घुटन से फील हो रही थी, और यहाँ पे ओपन एरिया है ना तो थोड़ा रात है। अरे हाँ ये तो भूल गया हम यार, ये रील के लिए बैठा था। चलो आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई। इस बाइक की रील बना लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चाटा पड़ा नहीं इसके, थोड़ा सा ना यूं यूं हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दोबारा बनाऊं? अब तुम दोबारा समझ रहे हो ना, दोबारा देखना। भीड़ देख रहे भाई, चल 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 चला दश। नो। पब्लिक देख सकते हो, इतनी पब्लिक है, पब्लिक ही पब्लिक डर लग रही है। नहीं नहीं इतने आलसी बंदे हैं ये, ये अपने लेफ्ट से जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल मस्त हवा के साथ। पावर ज़्यादा है इससे, पावर यूज नहीं करनी। सीढ़ियों से आते ना एनर्जी बर्न होती तेरी। बहुत है, बहुत है, बहुत एनर्जी है, एनर्जी है। इसी बहुत ज्यादा वेस्ट करता है। ये तो कुछ और ही कैप्चर हो गया ये। शाबाश बेटा। नो शी वाज प्रीटी। अच्छा बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। काफी फैमिली का जैसे आप कह सकते हो, भीड़ में व्लॉगिंग करने का अलग ही मजा है। ये सारी सारी चीजें ना मैं इस भाई से सीखा हूं, और वैसे दोनों भाइयों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं वैसे तो। अरे भाई मल्टी टैलेंटेड भाई है, अपना सारी चीजें बहुत जल्दी सीख जाता है। कैचिंग पावर आई है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। समझ रहे हो ना क्या क्या सीन जाता है? समझ रहे हो? तो भाई अभी भाई जा रहे हैं अपने ताऊजी और के घर। ठीक है भाई, भाई मिल जाइयो यहाँ पे। हाँ आते समय मिलेंगे। ठीक है भाई, लेके आएगा रात को। रात नहीं, रात को। अगर मैं ये हुआ ना कि वो घर पे होगी वरुण भाई नहीं लेके गए होंगे तो मैं अच्छा लेके मंडल। ठीक है तो सारे साथ में चलेंगे। ठीक है अबे फिर तो वहाँ चलेंगे, रिठाला वाली मार्केट घूम के आएंगे, ब्यूटी मार्केट फुल मस्ती चलेगी। हैं चलो चलो आ जाओ, अपने ऑटो का रहता इस पर बैठ जाते हैं। तो भाई कैसी फीलिंग आ रही है? भाई तो देखो वाली फीलिंग आ रही है, पर हम बहुत दूर आए हैं अपने घर से। एक बार दिखा दे भाई, ऐसी गली है यहाँ की। ये गांव है बेगमपुर गांव। मैं राहुल से कह रहा हूँ भाई, मतलब तू यही आप यही देख लेगा। मेरी जिंदगी यही है। अरे वाली बात बता ना जो कुंभ के मेले वाली। हाँ वाली तई वाली बात बता। मैं किसी होगा गेट को खटखटा दूंगा। ठीक है बोल दूंगा ताई रे, मैं वही छोटा हूँ तो तेरा कुंभ के मेले में खो गया था। जीप में आ गया, अपने घर में रख ले। नहीं 6 मिनट दूर है हमने अपने डेस्टिनेशन से, और पानी ऐसा भरा हुआ है यहाँ पे देख रहे हो आप पानी। ये छोटा स्विमिंग पूल है ना भाई, तैर सकता है तू भाई। पर कितना है इसमें नहा नहीं सकते। अब नहा लेगा? नहीं नहीं अब तेरे लिए सही है। ये तो गलत बोल दिया मैंने, ये गलत बोल, ये गलत बोल दिया। रात का टाइम हो रहा है, मम्मी बोलते हैं कि रात के टाइम का नाश्ते नहीं। अच्छा बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मम्मी के आज्ञा का मम्मी देख रही होंगी, मम्मी देख रही होंगी, मम्मी देख रही है। नमस्ते कर दे, नमस्ते कर। बिल्कुल प्यारी समझ गई। सो फाइनली दोस्तों आपने जैसे कि अभी देखा है इसका यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है। तो इस टाइम राइट नाउ हम हैं अभी रात के कितने बज रहे हैं भाई, टाइम बताना। टाइम हो रहा है भाई 7:30। 7:30 हो रहे हैं और हम हैं बेगमपुर बस्ती में। बस्ती है कलोनी में। ठीक है बस्ती में मस्ती कर रहे हैं हम यहाँ पे। शाबाश बेटा, मस्ती कर रहे हैं रात के टाइम। आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए, हमारा इंटेंशन क्या था यहाँ पे आने का। और जो आदर्श भाई है जैसे कि आपने देखा वो अभी चले गए अपने ताऊजी के घर। भाई इधर आना यार,
यहाँ पर एक स्कूल है एमडी सामने, सामने? अच्छा और आगे जाना पड़ेगा, यही है सामने यही। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। अरे ये पर्ची है ना, इस पर्ची में देखना पड़ेगा, जैसे कि आज इनका यहाँ पे पेपर था CUET का, जो कि कैंसिल हो गया 5 अगस्त, इसे आप देख सकते हो। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पे ये भी लिख रखा, और कारण भी बता दो भाई। कारण ये है यहाँ पे, जैसे कि आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर, कारण क्या था भाई? भाई बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हुआ था, तो अगर स्टूडेंट हमारे जैसे दूर से आते हैं, कोई जैसे हमारी सिस्टर का पेपर है, भाई की सिस्टर का, तो अब भाई उनको साथ में लेकर आता है, तो सारे में भाई दिखाना नीचे इतना पानी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था इतना पानी, तो उसकी वजह से ये एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल किए गए हैं। बाकी देखो बाकी तो मौसम के अकॉर्डिंग होगा, कल क्या होगा देखते हैं भाई। ठीक है, नहीं कल हो जाएगा पेपर, तो अभी चलें फिर हम यहाँ से। हमने देख तो लिया कॉलेज वगैरह, मतलब स्कूल वगैरह ये है। ठीक है, सामने कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लैक इतना हो रहा है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि रात भी तो काफ़ी हो गई हमें। ठीक है, दूर खड़ा हो, सामाजिक दूरी बनाए रखे भाई, मैं इधर खड़ा हो जाऊँगा तो भाई इधर खड़ा जाएगा। और अपनी आ गई मेट्रो भाई, सुबह सारा बहुत पंचर हो रही है, मतलब सुबह से ही ट्रैवल करने लग रहे हैं, और अभी भी ट्रैवल ही कर रहे हैं ना भाई। बिल्कुल ठीक है, और आदर्श भाई का प्लान नहीं बनाने का, तो वो वही ताऊ जी के घर पे रह गया, उसने हमें धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया हमें, हम सोच रहे थे उसकी और ज़्यादा बेइज्जती मारेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा कैसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा ब्लॉग बना तो उसको लेके आएंगे, और बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, टोकन वापस कर दिया भाई। मेरे पास एक बार एक से रखा भी है टोकन का। अच्छा, तू वापस ले आता? अब ले आता हूँ। अच्छा, कुछ क्या कभी कभार पड़े उड़े मिल जाते हैं ना, ये इधर एक बार मेट्रो की सीट पे पड़ा हुआ था। अच्छा, ये पड़ी हुई चीज़ें उठा लेता है भाई। हाँ, मैं पड़ी हुई चीज़ें उठा लेगा यार। एक चीजें शेयर करने से क्या होता है? हाँ, बोल बोलो। जैसे अभी हमने ये पी रहे थे, तो राहुल भाई ने तो अपना खत्म कर दिया, मेरा रह गया, तो मैंने राहुल भाई की तरफ पढ़ा, भाई ने मना किया, तो मैं भाई से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि चीजें शेयर करने से क्या होता है। अरे ये बाइक निकलता है, चीजें शेयर करने से पता क्या होता है, तो तेरा गिलास है ना वो मेरा हो जाता है, और ये खाली हो जाता है, ये हो जाता है, प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है, ये यहीं तक की सोच है इनकी। मेन चीज है प्यार बढ़ना, और मेन चीज है खाली होना। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर, क्योंकि क्या है बहुत लोग देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, गाइस इस बात को मैं कहने के लिए इसीलिए इधर आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट बता देना। और एट द एंड में मैं आपको बता रहा था कि हम वहाँ पे क्यों गए थे, हम गए थे रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे मतलब मेरी सिस्टर का सेंटर पड़ा था एग्जामिनेशन के लिए, मतलब CUET के जो एग्जाम वगैरह होने वाले हैं उस वाले सेंटर में पड़ा था। आजकल क्या है कि 5 तारीख को 6 तारीख को दोनों तारीख को इन्होंने पोस्टपोन कर दिए पेपर, तो गाइज अपना भी जो है पोस्टपोन वगैरह आपके भी हो गए होंगे, अपनी मेल वगैरह सभी चेक करते रहना और उस वेबसाइट से कनेक्टेड रहना। बस गाइज आज की हमारी वीडियो में बस, और कुछ ज़्यादा ट्रैवलिंग था, बहुत ज़्यादा फन करा दोस्तों के साथ, एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन लाइक कमेंट एंड शेयर।